नमस्ते फ्रेंड, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सुंदर से अलमंडा फ्लावर के साथ। और इधर देखिए फ्रेंड, ये मेरा ओलियंडर ऑरेंज वाला जिसकी मैं रिपोर्टिंग करी थी, तो प्लांट मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। और फ्रेंड देखिए, जो कटिंग से मैं बरबीना लगाई थी देसी वाला, तो उसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और ये थोड़ा हाइट में थोड़ा बड़ा प्लांट होता है, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये पर्पल कलर के फूल। और इनमें तीन कलर आते हैं, वाइट, पिंक, पर्पल। मेरे पास ये पर्पल कलर का है। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो है रियो प्लांट पर, तो आइए देखते हैं मेरे रियो प्लांट। फ्रेंड ये मेरे रियो प्लांट है देखिए, और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हम जब अपने गार्डन में कलरफुल मतलब लुक देना चाहते हैं अपने गार्डन को, तो इन सब प्लांट को ज़रूर लगाना चाहिए। और ये मेरे पास दो वैरायटी के हैं, एक तो जो ये रहता है ये बहुत हैंडी होता है, और देखिए पीछे इसका डार्क पर्पल कलर है, और इधर से फ्रंट में इसके ग्रीन है, तो बहुत खूबसूरत लगती हैं लीव्स इस तरह से देखने में। और जो ये वाला प्लांट है ये थोड़ा वेरिएटेड है, तो देखिए इसके पीछे भी कलर फुल है और इसके लीव्स में थोड़ी वेरिएशन होती है। इसमें ये लाइनिंग सी होती है, येलो, वाइट और पर्पल, दो तीन तरह के इसमें कलर है, और बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। और जो ये वैरायटी होती है रियो की, तो ये वेरिएटेड वाली, इसकी लीव्स थोड़ी सी मुलायम होती है, सॉफ्ट सी होती है, लेकिन ये जो है इसकी थोड़ी मोटी होती है, और ये बहुत अच्छा प्लांट होता है। और जो ये वाली वैरायटी है रियो की, ये बहुत हैंडी होती है, ये तेज़ धूप में भी बर्दाश्त कर जाती है और बारिश के पानी में भी। लेकिन जो ये वैरायटी होती है, इसको बारिश के पानी में इसके ना ही रखे तो बढ़िया रहता है, क्योंकि इसकी लीव्स गलने लगती है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। तो इसको इंडोर प्लांट आप रख सकते हैं ऐसी जगह की, ज़्यादा बारिश का पानी ना इसको मिले। और ये जो वैरायटी है इसको आउटडोर इंडोर प्लांट दोनों आप रख सकते हैं। मेरे ये फुल सनलाइट में थी, समर में बहुत अच्छा चलता है। और ये प्रोपोगेशन की बात करें तो देखिए, यहाँ से इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और रूट से भी आसानी से लग जाती है। इसको बोट लिली भी बोला जाता है और बहुत सुंदर लगती है। इसके जो फ्लावर है देखिए, ये जो फ्लावर का शेप है ये थोड़े बोट की शेप का होता है, तो इसको बोट लिली बोला जाता है। और रियो प्लांट है, और इनकी इसको अगर हैंगिंग बास्केट में लगाया जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगता है प्लांट, और ये प्रोपोगेशन बहुत आसानी से हो जाता है। और जो इस वैरायटी को हम लगाते हैं, तो थोड़ा इसको हम इंडोर प्लांट के जगह पे रखें, और ऐसी जगह रखें कि इसको ब्राइट लाइट ज़रूर मिलती रहे। अगर ब्राइट लाइट नहीं मिलेगी तो ये जो लीव्स की वेरिएशन है वो नहीं आएगी, और ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो मेरे पास ये दो ही वैरायटी है रियो की, तो आप भी इसे ज़रूर लगाइए। और ये समर में बहुत अच्छा लुक देता है हमारे गार्डन में, और फुल सनलाइट में ये मेरे टेरेस पे पड़ा था। ये जो देसी वाला वैरायटी होती है बहुत रफ एंड टफ होती है, और ये तेज़ धूप में भी बहुत आसानी से चल जाता है। और जो वेरिएशन वाली है ये ज़्यादा तेज़ धूप नहीं बर्दाश्त कर सकता है, और ना ही तो बारिश का पानी। और मिट्टी की बात करें तो इसको आप वेल्ड्रेन सॉयल बनाइए, और इसमें मैं अभी तक कोई फर्टिलाइज़र नहीं दी हूँ, लेकिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अपने सभी प्लांट में डालती हूँ, तो इसमें कभी कभार डाल देती हूँ, और लेकिन ये बहुत अच्छे चलते हैं, और मैं इन्हें वेस्ट चीज़ों में ही लगाई हूँ। और इसको अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो ऐसे अपने गार्डन में खूबसूरत एक लाइन से लगाइए, बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन टेरेस पे हम थोड़ा थोड़ा करके ही प्लांट लगा सकते हैं, तो मेरे को जो भी चीज़ मिलता है उसमें लगा देती हूँ। और देखिए खूबसूरती कितनी अच्छी लगती है इनकी देखने में, तो ये बहुत आसानी से चल जाते हैं, रफ़ एंड टफ होते हैं। समर में भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है, अपने गार्डन में इसको ज़रूर लगाइए, और समर में भी हमारे गार्डन को ये कलरफुल लुक देते हैं। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो हम समर में अपने गार्डन में लगा सकते हैं टेरेस के ऊपर भी, और फ्लावर नहीं चल पाते हैं तो भी ऐसे प्लांट अपनी कलरफुल पत्तियों से हमारे गार्डन को बहुत सुंदर बना देते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड नमस्ते।